बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक का 12वां पाठ आदि कवि वाल्मीकि पढ़ेंगे। इसके अनुवाद को हम समझेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। प्राचीन काल में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा से शिष्य सह स्नातु तमसा नद्या तीरम अगच्छत। एक बार भी एक दिन ये शिष्यों सहित स्नान करने के लिए तमसा नदी पर गए। मार्गे से व्याधीन विद्वम एक क्रोच पक्षिण मपश्यत। और वहाँ उन्होंने शिकारी रास्ते में इन्होंने शिकारी द्वारा बिंधा हुआ एक हंस देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलिताया क्रौंचय उच्चे क्रंदनम ऐश्रणोत। और साथी के वियोग में हंसनी व्याकुल हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। तत्श्रुत्वा तस्या दयनीया दशा दृष्ट्वा कारुणिक ऋषि द्रवितो अभवत। उसकी रुलाई सुनकर और दुख देखकर ऋषि का हृदय पिघल गया। क्रौंच क्रदनात जात ऋषे शोक श्लोक रूपेण तस्य मुखात एवं निरगच्छत मानिषाद। और इस प्रकार से उनके क्रौंची के विलाप से पैदा हुआ ऋषि का शोक श्लोक के रूप में इनके मुख से इस प्रकार निकल पड़ा। हे निषाद, ऋषे कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत ऋषि। और ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषि, हे मुनि, कुरु रामायण काव्यम तत्र च रामचरित वर्ण्य। मुनिजी, आप रामायण काव्य लिखें। येन रामस्य पुण्यम चरित विदित्वा लोका सन्मार्गस्यानुसरणम कुर्यो। एवं उसमें राम के चरित्र का वर्णन करें जिससे लोग भगवान राम के पावन चरित्र को जानकर उनके सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्राह्मण आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामणीय कथा लिखिता। और ब्रह्मा के आदेश के अनुसार इस प्रकार मुनि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखी। सर्वे वाल्मीकि रामायण नामा प्रसिद्धा, जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितु आज्ञापान्नम्। यहाँ कवि ने वैसे तथ्यों को लिखा है जो भ्रातृस्नेह परोपकार दया दाक्षिण्य दीन रक्षा इत्यादिना मानवताया पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति, जो कि मानव जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाले हैं। इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता की आज्ञा का पालन करना, भ्रातृस्नेह परोपकार दया उदारता गरीबों की रक्षा करना इत्यादि मानवता पोषी जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते तद्रचना च आदि काव्यम उच्यते। और कवि इन कवि को संस्कृत का आदि कवि और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना किस प्रकार से हुई थी। ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी को सार्थक करते हुए उन्होंने रामायण की रचना की। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा 12वां पाठ आदि कवि वाल्मीकि समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम आपके लिए
और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।